नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से चटपटी पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, जिसमें सिर्फ हमने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा क्रैकल होने के बाद हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, जिनको हमने बारीक काट लिया है, और इसे ब्राउन होने तक अच्छे से सॉटे करेंगे। यहाँ हम बहुत कम ऑयल में पनीर की भुर्जी बना रहे हैं। यहाँ हमने सिर्फ 2 चम्मच के करीब ही पनीर ऑयल लिया है। यहाँ 5 से 6 मिनट के बाद प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम यहाँ पर 1 टमाटर की प्योरी डालेंगे, जिसमें मैंने 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है उसका मसाला अच्छे से रिलीज़ हो जाए। यहाँ पर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे नमक, ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। हल्दी, और इसको डालने के बाद अब हम डाल रहे हैं देगी लाल मिर्च। आप जो मिर्च खाते हैं आप उस मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए और टमाटर हमारा गल जाए। यहाँ पर 5 से 10 मिनट के बाद हमारा मसाला बढ़िया से रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम पनीर डालेंगे, जिसको हमने हाथों की सहायता से अच्छे से क्रश कर लिया है। यहाँ मैं 1 पाव के करीब जो है पनीर मैंने लिया है, और उसकी मैं भुर्जी बना रही हूँ। और अब हम अच्छे से पनीर को मसाले के साथ मिक्स करेंगे, ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब पनीर की भुर्जी यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई है। वैसे तो ये पनीर की भुर्जी बनकर रेडी हो गई है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो पनीर की भुर्जी आप रोटी के साथ खाते हैं तो बहुत ही ड्राई लगती है। तो इसमें मैं 1/2 कटोरी के करीब पानी डालूँगी। जी हाँ, पानी। पानी डालने से एक तो जो आपकी पनीर की भुर्जी है वो ड्राई नहीं लगेगी, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी लगेगी जब आप खाएंगे। और जो पानी डालने से जो हमारा पनीर है, एक तो वो अच्छे से फूल जाएगा और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। और पनीर जो हमने ये पानी डाला है, वो पानी जो है वो हमारा अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएगा, और पानी की मात्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि सारा पानी सूख ना जाए। और अब आप यहाँ देखेंगे जो पानी है वो अच्छे से बढ़िया से सूख गया है, और पनीर की भुर्जी हमारी बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। नहीं तो कई बार जो पनीर रहता है हमारा थोड़ा सा टाइट रहता है और बहुत ड्राई रहता है। एक बार आप इस तरीके से पनीर की भुर्जी को ज़रूर बनाएं। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसे डालने से पनीर का जो टेस्ट है और भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पर गार्निशिंग करने के लिए डालेंगे इसमें हरा धनिया। हरे धनिया आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम पनीर की भुर्जी के साथ हरे धनिया को मिक्स करेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए ज़रूर बनाएंगे। और ये हमारी पनीर की भुर्जी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए। आपकी पनीर की भुर्जी बिल्कुल ड्राई नहीं लगेगी, और जब आप सीरियसली इसे खाएंगे तो ये बहुत ही क्रीमी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।